नमस्कार, बिफोर प्रिंट में एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत गर्माई हुई है और बात इस तरह की भी हो रही है कि जब सूर्य उत्तरायण हो रहा है तो योगी की जो इसमें स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं दक्षिणायन होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इस समय तीन जो मंत्री हैं मंत्रिमंडल में वो इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। वहीं कुल संख्या 14 हो चुकी है और कितनी होगी इसकी गारंटी अभी कोई नहीं ले सकता। इसलिए ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ सकती है और जो विधायक बनने के इच्छुक हैं और जो बीजेपी से नाराज हैं उनको कहीं ना कहीं अपनी संभावनाएं फिर से दिखाई दे रही हैं समाजवादी पार्टी में। और इसी का ही कारण है कि लगभग 14 लोगों ने अभी तक समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। उसमें जो प्रमुख नाम है वो हम आपको पहले बताते रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि मंत्री हैं, भगवती सागर जो कि बिल्हौर से विधायक हैं और कई बार वो जो है बीएसपी में पहले रहे, फिर उसके बाद में जो है वो बीजेपी में शामिल हुए, अब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और बिल्हौर जो सुरक्षित सीट है वहां से दावेदारी कर रहे हैं। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो इनके पुत्र हैं, क्योंकि पुत्र मोह नेताओं के अंदर बहुत ज्यादा होता है, तो पुत्र इनके हो सकता है कि दूसरी विधानसभा से चुनाव लड़े और इसकी गारंटी मिलने के बाद ही आगे बात हो सकती है। साथ में तीसरा नंबर रोशन लाल वर्मा का है, विनय शाह के, जो कि इस समय की स्थितियों में वो चुनाव लड़ने की खुद स्वयं की स्थिति में नहीं है और विधुना जो क्षेत्र है औरैया का उससे विधायक हैं। और 2018 में इनको एक ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, उसके बाद से पीजीआई में काफी दिनों तक इलाज चलता रहा और आज की स्थितियों में ये बोल सकते नहीं है, समझ तो रहे हैं और जो समझाया जा रहा है वो भी समझ रहे हैं। हमने आपको इंटरव्यू दिखाया था इनका जिसमें कि इंटरव्यूअर सारी चीजें पूछता है और उत्तर भी इंटरव्यूअर ही देता है, ये केवल हाँ या ना में और इशारा करके बता सकते हैं। तो इन्होंने अपने भाई को आगे कर दिया है कि अब विधुना से जो इनके भाई है वो चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं अवतार सिंह भड़ाना जो जिनकी बात की जा रही है कि वो गुर्जर हैं और प्रभाव रखते हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पर जो गुर्जर बिरादरी है उसमें प्रभाव रखते हैं, तो वो भी जाने जले जा चुके हैं और वो क्या डैमेज करेंगे बीजेपी को ये भी देखा जाएगा। साथ में दारा सिंह चौहान जो कि वन मंत्री थे और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि वो अपनी विधानसभा जो जिससे आए थे उसको बदल रहे हैं, तो क्यों बदल रहे हैं ये हम आपको बताते रहेंगे और बताएंगे भी इस विश्लेषण के साथ में। साथ में जो ब्रजेश प्रजापति हैं वो भी छोड़ चुके हैं बीजेपी और शामिल हो चुके हैं समाजवादी पार्टी में। दूसरा नाम है मुकेश वर्मा का जो कि बीजेपी छोड़कर ज्वाइन कर चुके हैं समाजवादी पार्टी को। राकेश राठौर, जय चौबे, माधुरी वर्मा, आर के शर्मा, बालावस्ती और जो 14वां नाम है वो धर्म सिंह सैनी का है। धर्म सिंह सैनी वो व्यक्ति हैं, वो विधायक हैं जो पहले तो ये मंत्री भी रहे हैं इस मंत्रिमंडल में, योगी मंत्रिमंडल में, और इसके पहले इन्होंने कल ही स्टेटमेंट एक जारी किया था जिसको बिफोर प्रिंट में आपको दिखाया भी था कि उसमें उन्होंने कहा था कि उनका बीजेपी के साथ में जीवन मरण का रिश्ता है और वो बीजेपी नहीं छोड़ सकते, लेकिन ये रिश्ता केवल 24 घंटे ही टिक पाया और आज की डेट में उन्होंने इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना अपने राजनीतिक लाभ के लिए उचित समझा। तो अब स्थितियां साफ अभी तो नहीं हुई हैं, लेकिन यहाँ ये जरूर है कि इस तरह के जब चुनाव की घोषणा होती है तो इस तरह के दल बदल बहुत तेजी से होते हैं और इस बार जो भगदड़ मची हुई है वो बीजेपी में मची हुई है और लोग जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के पास में, तो कांग्रेस से कुछ लोग समाजवादी पार्टी के में भी ज्वाइन कर रहे हैं। अब देखना ये है कि ये जो राजनीतिक ऊंट है वो किस करमट बैठता है, क्योंकि जनता है सब जानती है और यदि वोटरों की बात की जाए तो वोटर भी सब कुछ जानता है। तो आप देखते रहिए बिफोर प्रिंट में और हम आपको राजनीतिक जो घटनाक्रम है उत्तर प्रदेश के उसकी एक एक समाचार से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।